पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। तमाम खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फलस्तीनी झंडे की तस्वीर लगा दी। शादाब खान, इफ्तिखार, इमामुल हक, हारिस रोज, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फलस्तीन की सपोर्ट में आवाज बुलंद कर दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। किस तरह से जो पाकिस्तान की टीम है वो पूरी तरह से गाजा के समर्थन में आ गई है, उन्होंने अपनी डीपी वगैरह चेंज कर ली है, तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो वो है मीडिया क्या कह रही है इस बारे में। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो स्क्वाड मेंबर्स हैं जो इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए मौजूद हैं, उन्होंने फलस्तीन के लिए अपनी सपोर्ट जो है वो ट्विटर पर जाहिर कर दिया है। हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, उसामा मीर सबकी तरफ से सपोर्ट जो है वो फलस्तीन के फ्लैग के साथ आ चुकी है गाजा और फलस्तीन में। स्पेशली जो कल इंसिडेंट हुआ इसराइल का अटैक का, उसके बाद जो भी सारी सपोर्ट है पाकिस्तान प्लेयर्स की, और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो भी पीछे नहीं रहे, उनकी तरफ से भी फलस्तीन को सपोर्ट मिल रही है। ये सारे वही क्रिकेटर्स हैं जो कि इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और सारी जो चेन है वो स्टार्ट हुई थी मोहम्मद रिजवान की ट्वीट से। मोहम्मद रिजवान ने जब ट्वीट किया था फलस्तीन के लिए, उन्होंने अपनी जो विक्ट्री है जो श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान की रिकॉर्ड चेज थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने जो बनाया था हैदराबाद में, सबसे बड़ा चेज वर्ल्ड कप हिस्ट्री का, उन्होंने फलस्तीन के नाम कर दिया था, गाजा के नाम कर दिया था। उसके बाद अब सारी चेंज जो है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो ऐसा ऐसा अपनी सपोर्ट जो है फलस्तीन के पीछे रखनी है। जब आप मैच खेल रहे होते हैं तब आप सपोर्ट नहीं कर सकते, और ये आप कुछ डायरेक्टिव सपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं ऑडियंस को। फाइनली अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसमें आप प्ले कार्ड्स लेकर नहीं जा सकते, हूटिंग या चांटिंग रिलीजियसली नहीं कर सकते, ना आप इसराइल फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए कोई भी प्ले कार्ड्स उठा सकते हो मैच में, हूटिंग चांटिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब ये चीज नहीं होगी, स्पेशली जब पीसीबी ने इस पर कंसर्न रेज किया था कि हमें रिलीजियस चांट्स का सामना करना पड़ा है, हमें हूटिंग का सामना करना पड़ा है अहमदाबाद में, जिसमें आईसीसी ने एक्शन तो कोई नहीं लिया, लेकिन एटलीस्ट ये चीज अब जाहिर हो रही है कि ये अब चीजें आगे आगे जितने भी वेन्यूज हैं पाकिस्तान के, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, उधर देखने को अब नहीं मिलेंगी। क्राउड को जो है वो हॉस्टिलिटी शो नहीं करनी होगी, पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट चाहिए क्राउड से, और ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं फुल फलस्तीन को, और ये एक ही कम टाइम स्पैन में, मतलब एक घंटे के अंदर ही 4-5 ट्वीट जो है पाकिस्तान प्लेयर्स से वो आई है, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान प्लेयर्स जो है दे आर बैकिंग फलस्तीन। और पाकिस्तान के सबसे पहले रिजवान ने ट्वीट किया था, आपको बताया हज़ा के हक में रिजवान ने ट्वीट किया था, फॉर दिस विक्ट्री इज फॉर आवर हज़ा एंड मुस्लिम्स एंड ब्रदर्स। उसके बाद अब ट्वीट किए हैं उसामा मीर ने, ट्वीट किया है शादाब ने, ट्वीट किया शादाब ने, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी लगा दी उसकी उस वाली, और उसके अलावा ट्वीट किया हारिस रऊफ ने और मोहम्मद नवाज ने। अब जैसे काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इन लोगों ने फलस्तीन का प्रॉपर जो है ना पिक्चर लगा के और उसके सपोर्ट में ट्वीट किया, जाहिर सी बात आप झंडे की पिक्चर लगा रहे, इफ्तिखार भी, तो ऑलमोस्ट आप लगभग सारी पाकिस्तानी टीम ही कह सकते हो उस बारे में भी। मसला यह है ना पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में लोगों को नॉलेज नहीं है कि इंटरनेशनल स्टेज पर क्या हो रहा है। इंटरनेशनल स्टेज तो दूर की बात है, घर में क्रिकेट की चीज की भी नॉलेज नहीं होती, मतलब ये कितना अनप्रोफेशनल है। मैं नहीं कह रहा ये बंदा ठीक, वो वाला बंदा ठीक, जो हो रहा है सही। और देखो इंसानी जान हमेशा सबकी कीमती होती है, चाहे एक ज्यू की है, चाहे एक हिंदू की है, चाहे एक मुस्लिम की है, वो हर सूरत में कीमती होती है, अनलेस वो कोई एक्सट्रीमी एक्सट्रीम नजरियात ना रखते हो। बट जब पाकिस्तान के प्लेयर्स का काम नहीं है, देखो इंडिया भी तो करता है ना, मोदी जी ने भी तो सपोर्ट शो की है टुवर्ड्स, मोदी जी ने प्रॉपर भी सपोर्ट शो की है टुवर्ड्स इसराइल, और मोदी जी ने ट्वीट करके हज़ा वाले हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट पे भी ट्वीट किया, वो मोदी जी का काम था, उन्होंने कर दिया। क्या विराट कोहली इसमें कूदा, क्या रोहित शर्मा इसमें कूदा, क्या जसप्रीत बुमराह कूदा, दोनों साइडों से नुकसान हो रहा है ना, क्या वो लोग कूदे? नहीं कूदे, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको पता है हमें क्रिकेट की नॉलेज है, हमें क्रिकेट पर बात करनी चाहिए, हमें क्रिकेट पर रहना चाहिए। इवन एक्स क्रिकेटर्स किसी मायदे के तहत बाउंड नहीं है, ये पाकिस्तान के तो सारे प्लेयर ये फॉरन सफीर बन गए, ये तो फॉरन मिनिस्टर बन गए ना, ये तो सियासतदान बन गए। देखो यही वो चीज है जिसमें आपको समझ नहीं आती, आप खेल को सियासत के साथ, सियासत को मजहब के साथ, मजहब को फिर खेल के साथ, नमाज को ग्राउंड में, बार नमाज है नहीं, मतलब कि हम सब जानते हैं कि हम किस तरह से उसको करते हैं, अपने रिलीजन को कितने हम कट्टर वो हैं, हम सबको पता है भाई जान, ये बहुत अनप्रोफेशनल हरकत है, मेरा इससे बहुत ज्यादा दिल हफा हुआ, बट ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, ये प्लेयर्स का काम नहीं है। प्लेयर्स को यूज पीस के एंबेसडर होते हैं, प्लेयर्स इसके एंबेसडर नहीं होते। या तो आपको नॉलेज हो ना, इनको नॉलेज ही नहीं है। फलस्तीन अलहदा चीज़ है, हज़ा अलहदा चीज़ है, हमास अलहदा चीज़ है, इसराइल इज समथिंग एल्स, वो सारे मैटर्स में कवर, इनको नॉलेज ही नहीं है। उठा के इन्होंने फलस्तीनी के झंडे लगा दिए, ये क्रिकेटर्स का काम है। अब वो आईसीसी इवेंट खेलने के हो यार, आप वो काम करो ना। सेम लाइक वही, अगर आप एक चीज को सपोर्ट करोगे फिर दूसरी पार्टी आप पे नारे कसेगी, फिर आपको तकलीफ होगी, आप बोलोगे ये हमारे साथ मसला हो रहा है। यार आप क्यों पार्टी बन रहे हो? आप पार्टी बन गए ना। देखो आप अपनी बीवी के साथ बात करो, बच्चों के साथ बात करो, रिश्तेदारों के साथ बात करो, आप कंसर्न शो करो, आप इन्फ्लुएंसर बन गए, आप तो सब कुछ में कूद गए, आप तो इन्फ्लुएंसर बन गए ना। आपने जब ट्वीट कर दिया इस तरह से झंडा लगा के, आप तो इसमें कूद गए, आपने तो इन्फ्लुएंस कर दिया, जो आपका काम नहीं था। यही जो बेसिक मसला है, ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने किया, यही बेसिक मसला है। जो आपका काम है वो हो रहा नहीं है। पाकिस्तान टेबल में देखो कहां पर है, इंडिया के अगेंस्ट किस तरह की हमें शिकस्त मिली, आने वाले मैचेस में क्या होगा, दे डोंट कंसर्न अबाउट। आपने देखा ही इंडिया वाले मैच के बाद भी कितना हमने टेंशन ली है, क्या किसी ने बात की है बाबर आजम ने 50 से 100 क्यों कन्वर्ट नहीं किया, हम जीते क्यों नहीं, हमने क्रिकेट में क्या हालत की हमारे, बस हमने यहां पर डिस्कस किया, दिल दिल पाकिस्तानी चला मार के, रिजवान पे जय श्री राम के नारे लगे हम मार के,
तो इंडिया ने हमारी मेहमाननवाजी अच्छी नहीं की, हम हार गए, इंडियन हमें फूड अच्छा नहीं दिया, हम बेंगलोर में पहुंच के बीमार हो गए। मतलब यार इतनी थर्ड क्लास हरकतें करते हैं, इतने दो टके की हरकत करते हैं, मतलब हमें नॉलेज का तो तालक ही नहीं है ना यार। तो जनाब पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने गजा के हक में ट्वीट कर दिए हैं, और सिर्फ एक दो खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि आधी टीम ने जो है गजा के हक में जो ट्वीट किए हैं। आपको मालूम है कि मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो अपनी 131 स्कोर की इनिंग्स है वो जो है वो डेडिकेट की थी गजा वालों को, ठीक है, और उस पर जो बड़ा आपको बताया कि शोर मचा था, और जो रिजवान के खिलाफ जो है वो कंप्लेन भी आईसीसी के पास गई थी। और अब सारे खिलाड़ी यानी कि जो है 5-6 खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है भाई साहब, जिनमें शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज और जो है इफ्तिखार अहमद आते हैं, जिन्होंने ये जो है ट्वीट किए हैं भाई साहब गजा का जो परचम है ना, जो झंडा है उनका फ्लैग, वो जो है वो उन्होंने अपलोड किया और अपनी डीपीज भी जो है चेंज किया उन्होंने, और जो है वो फलस्तीन के साथ अपनी जो हमदर्दी है वो उन्होंने जो है वो दिखाने की कोशिश की है कि भाई साहब जो है वो वहां पर जो हो रहा है वो रुकना चाहिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो रिजवान ने ट्वीट किया था वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था, ठीक है, और उस पर काफी बातें हुई थी कि रिजवान जो है वो क्रिकेट खेलते हुए, वर्ल्ड कप खेलते हुए जो है वो ऐसा ट्वीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन सब ने अपलोड किया है भाई साहब, और इन्होंने कोई वक्फन वक्फन अपलोड नहीं किया बल्कि एक ही दो मिनट के अंदर सब ने जो इकट्ठा अपलोड किया। इनके ऐसा लग रहा है सब ने जो है वो पहले फैसला किया कि हम ये अपलोड करेंगे, उसके बाद सब ने जो है वो अपने अपने जो है वो एक्स का जो अकाउंट है जो पहले ट्विटर होता था उस पर जो अपलोड किया, ठीक है। खिलाड़ियों ने बोला है कि भाई रिजवान अकेला नहीं बल्कि हम भी जो है रिजवान के साथ हैं, इनके रिजवान का साथ देने की उन्होंने कोशिश की है, और उन्होंने जो आप प्लानिंग के तहत जो है सबके सब खिलाड़ियों ने ये जो आप काम किया है, किसी भी खिलाड़ी ने ना आपके कप्तान ने जो जो हार हुई है इतनी बुरी इंडिया के खिलाफ उसकी जिम्मेदारी कबूल की है, भाई हमसे गलती हो गई है या हमने ये गलतियां की है, हम इन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अब इन खिलाड़ियों ने सबने जो जो अपलोड किया तो वो ऐसा लगा कि इन्होंने जो आप प्लानिंग करके अपलोड किया है, क्योंकि एक खिलाड़ी करता दो करते वो अलग बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने एक ही टाइम में ये जो अपलोड किया है फ्लैग जो है फलस्तीन का, तो आप ये कह सकते हैं खिलाड़ियों ने जो सपोर्ट है अपनी वो फलस्तीन के लिए जो है वो शो करवाई है कि भाई साहब जो है वहां पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और रिजवान ने जो ट्वीट किया था वो ठीक किया था ये खिलाड़ियों ने ये चीज। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जिस तरह से जो है इसराइल का समर्थन किया रिजवान अहमद ने, और उनके सभी खिलाड़ियों ने जो है अपनी डीपी चेंज कर दी है और पूरी तरह से गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो थी। तो किस तरह से जो है लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुम क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पे गेम पे ध्यान दो अपना, ये चीज़ हमारे है हम कर लेंगे पाकिस्तान में बैठ के, गेम पे ध्यान दो और अच्छी तरह जीत के आओ, यही बहुत है। तो जो है क्रिकेटर को जो है पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तुम खेलने आ रखे खेलो अच्छे खेलो और चले जाओ अपनी कंट्री, तो ये बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। तो फालतू में ये कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती रहेगी, इस तरह से तुम ट्वीट करोगे या गाजा वगैरह का फ्लैग लगाओगे तो जो है धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो खिलाड़ी को चाहिए वो खेल के अच्छी तरह जाएँ और अच्छा परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप लेके जाए तो उनके लिए वो अच्छा होगा। हालांकि वर्ल्ड कप लेना उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया पूरी दावेदार है, जिस तरह से इंडिया खेल लिया बहुत अमेजिंग खेल लिया है, तो मुश्किल है पाकिस्तान का जीतना वर्ल्ड कप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अगर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाइक तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत सारे जय हिंद जय भारत।